फ्रेंड्स, वेलकम टू तंजिल टेक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स इन भवानी पटना। तो गाइस, अगर आप भवानी पटना से हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सीखना चाहते हैं, फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो पूरे वीडियो को आप देखें एंड तक, ताकि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस, इस वीडियो का ये आउटलाइन है। आउटलाइन इन द सेंस के देखिए, 6 पॉइंट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला है कि वाई इट्स कॉल्ड फुल स्टैक। पहली बात तो यह है कि इसको फुल स्टैक बोलते क्यों हैं, और ये फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके वो फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कॉल करके पूछते हैं कि ये सर फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कि गुड करियर आफ्टर लर्निंग दिस, कि क्या ये सीखने के बाद में इसका करियर स्टेबल है, क्या इसके सीखने के बाद में जो करियर है वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने पैसा लगाया, मेहनत भी किया और पता चला कि ये जो है कुछ सालों के बाद में ख़त्म हो गया, तो ये डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होना चाहिए, कौन लोग इसको सीख सकते हैं इस कोर्स को। और जो फोर्थ पॉइंट है, डिफरेंट ऑप्शंस आफ्टर दिस, कि ये सीखने के बाद कौन कौन से रास्ते हमारे पास खुल जाते हैं, कौन कौन सा वेज हमारे पास है जहाँ से हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो है जो फिफ्थ पॉइंट है कि हमें कौन सा इंस्टीट्यूट में इसको सीखना चाहिए कि हमारा पैसा और जो है मेहनत दोनों कामयाब हो और वहाँ पे हमें अच्छी ट्रेनिंग मिले। तो और हम जो 6 पॉइंट पे बात करेंगे वो है लर्निंग मोड, कौन कौन सा लर्निंग मोड है। जैसे उसमें देखिए, आप वीकेंड होता है, वीकडेज में होता है, साथ साथ में ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, तो कौन सा मोड पे ट्रेनिंग करने से आपको बेटर होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 6 पॉइंट पे फर्दर हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड। और चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो गाइज, इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज फुल स्टैक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फुल स्टैक मतलब फुल मतलब कंप्लीट, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों। तो ऐसा डेवलपर जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों काम कर सके, ऐसे डेवलपर को हम लोग फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बोलते हैं। एक एग्जांपल से आप समझिए इस बात को कि फ्रंट एंड में देखिए, फ्रंट एंड में क्या है, ये कार है। कार बाहर से देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, सब कुछ एकदम चकाचक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग बैक एंड के थ्रू देखें तो आपको पता है कि इंजन में इस तरह से इतने कॉम्प्लेक्स पार्ट को बनाया गया है, तो ये लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से कार चल पाती है। वेबसाइट में भी वैसा ही होता है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों अलग अलग होता है, और इस तरीके से तब जाके एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है। उसी तरह से एक वेबसाइट में भी ऐसा ही होता है, फ्रंट एंड जो यूजर को दिखाई देता है और जो बैक एंड में जो दिखता है, ये दोनों मिला के इसको फुल स्टैक कहा जाता है। ऐसे डेवलपर को फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रंट एंड में क्या क्या है और बैक एंड में क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में क्या है, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, React.js, Angular और Vue.js, ये पूरा जो है फ्रंट एंड का पार्ट है। बैक एंड की पार्ट बात करें तो है PHP, MySQL, Node.js, MongoDB, Java, Oracle, Python, MySQL और C# SQL Server। एक बात बता दूं आपको कि जो फ्रंट में है वो लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी है, और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो क्या है, वो है आपका डेटाबेस, ठीक है। तो ये सारे मिलाकर, ये कंप्लीट जो है वो मिलाकर जो है उसको फुल स्टैक कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना सारा एक साथ में सीखना पॉसिबल है फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो है अलग अलग सेक्शन होता है, और आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा सीखना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम लोग एस सॉफ्टटेक वेबसाइट को ओपन करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसमें फुल स्टैक के इतने टाइप्स हैं। कौन सा है भाई, तो मीन स्टैक फुल स्टैक, मान स्टैक फुल स्टैक, PHP फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक, जेंगो फुल स्टैक, ASP.NET फुल स्टैक। ये 6 तरह के फुल स्टैक जो है आप देख सकते हैं कि ये एक एस सॉफ्टटेक एकेडमी ईस्टर्न इंडिया का वो पहला सेंटर है जिसमें आप एक साथ इतने सारे फुल स्टैक आप देख सकते हैं जिसमें पढ़ाया जाता है। एनीवे, तो इस तरीके से आपको सभी में मास्टरी नहीं करना है, किसी एक में, कोई पर्टिकुलर एक में पहले सीखना है पहले आपको इसमें से, उसके बाद में हो सकता है कि आप थोड़ा दिन काम करें, थोड़ा ग्रिप आ जाए, उसके बाद में फिर आप दूसरा फुल स्टैक ऐसे करके एक एक करके आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से कौन सा फुल स्टैक आपके लिए बेटर होगा। तो इसके लिए क्या है कि देखिए, यहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, ये नंबर में से कोई भी नंबर पर आप यहाँ पर
कॉल करके या व्हाट्सएप में जाके आप डिटेल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि फुल स्टैक में कौन सा सेक्शन जो है या कौन सा फुल स्टैक मेरे लिए बेटर होगा मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो गाइज इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद उसका कैरियर स्टेबिलिटी कैसा होता है, मतलब एक बार अगर आप फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हैं तो ये कितना दिन टिकने वाला है। ऐसा तो नहीं कि दो चार साल के बाद में या एक साल दो साल के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आ जाए और पता चलेगा कि फुल स्टैक का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया और आपने जो मेहनत करके पैसा लगा के जो इतना सीखा और पता चलेगा कि आप मार्केट से आउट हो गए और आप जॉबलेस हो गए, तो ऐसा तो नहीं है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट का, इनफैक्ट वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम है वो लास्ट 20 to 25 ईयर से चल रहा है और तब से लेके आज तक कभी भी ये डाउन नहीं हुआ है। और आपको पता है कि डे बाय डे इंटरनेट का कनेक्शन जो है आम लोगों तक तो पहुंचने के बाद में ये जो है काफ़ी आसान हो गया है और एक छोटा से छोटा जो पान वाला है या खैनी वाला है या इस तरह के छोटे छोटे जो बिजनेस वाले हैं वो भी वेबसाइट बनाने लगा है। तो डेफिनेटली जब वेबसाइट की नंबर ऑफ वेबसाइट्स बनेंगे तो डेवलपर का जो है डिमांड भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसका जो कैरियर स्टेबिलिटी है वो अच्छा है, कैरियर जो है वो ब्राइट है, आने वाले 20 साल 30 साल तक कहीं इसका कैरियर डाउन नहीं दिखने वाला है। तो गाइस हम लोग बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके लिए मिनिमम जो है वो 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स से किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। कई बार देखिए बहुत सारे सेंटर ऐसा बोलते हैं कि नहीं, उसमें लिख भी दिया कि BCA BTech MTech MCA इस तरह का होना चाहिए कैंडिडेट, तभी ये फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकता है। देखिए नो डाउट जो है ये स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट के लिए है, लेकिन मैं निराशा नहीं करना चाहता एक्चुअली, भी आर्ट्स के स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं जो आज मार्केट में काम कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी है, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जिस तरह से कॉलेज में गया आराम से एकदम घूमते फिरते इसको पढ़ाई किया, अगर उस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास जज्बा है, डिटर्मिनेशन है कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो अगर आप 12th पास भी हैं और आर्ट्स साइंस कॉमर्स से भी हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए डेफिनेटली ये जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो है ही, जिसने BCA BTech MTech किया है उसके लिए तो ये फुल स्टैक कोर्स है ही, क्योंकि उसका स्ट्रीम ही है। अब यहाँ पे रह गई बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि जैसे कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल से हैं या फिर हम जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से है तो हमारा कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली जब आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले जो है कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर आप एक अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर, तो ये एलिजिबिलिटी है, ये जो है क्राइटेरिया है आपको इस कोर्स के करने के लिए। तो गाइस इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद में, क्योंकि देखिए अगर आपने सीख भी लिया है तो आपको ये या सीखने जा रहे हैं तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई हम क्या कर पाएंगे, मतलब सीखने के बाद में इसमें कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है सो जानेंगे इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो मतलब इस वीडियो के सेक्शन में। तो पहला चीज़ देखिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब है एक आप एक अच्छा फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। आपका जो जो डेजिग्नेशन होगा एक होगा एसोसिएट फुल स्टैक डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर, तो एक पहला हो गया। दूसरा है अर्न एज ए फ्रीलांसर, चूँकि फुल स्टैक में क्या होता है बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आप जानते हैं, तो आपको डिपेंडेंट रहने की किसी पे ज़रूरत नहीं है, आप एक कंप्लीट वेबसाइट खुद बना सकते हैं। इस तरीके से आप फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। और तीसरा जो है कि रन योर ऑन कंपनी, अगर आप तीन चार साल दो साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है मैं अपना कोई एजेंसी चलाना चाहता हूँ, अपना बिजनेस चलाना चाहता हूँ, तो वो भी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर में है। और जो फोर्थ पॉइंट है कि प्रमोट योर ऑन बिजनेस, मान लिया जाए कि आपका कोई बिजनेस है, अभी क्या है आज के डेट में हर किसी का एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। अब उस वेबसाइट में क्या है कि अभी जो है उसको आपको मेंटेन करने के लिए, उसको रन करने के लिए किसी न किसी पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर आप खुद सीख जाते हैं तो आप पूरी वेबसाइट को खुद से हैंडल कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के बाद। और अब इस सेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं सैलरी पैकेज, एक फुल स्टैक डेवलपर का सैलरी पैकेज क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह कि देखिए आपको पहले दिखा चुका हूँ इस वीडियो में के फुल स्टैक के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने फुल स्टैक का कौन सा कोर्स किया। फॉर एग्जांपल अगर PHP का फुल स्टैक किया है तो उसका सैलरी नॉर्मली कम होता है, अगर आपने जावा फुल स्टैक किया है या फिर पाइथन फुल स्टैक किया है, मॉन्स्टैक फुल स्टैक किया है, तो ये सब जो फुल स्टैक है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये उसमें से एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि कौन सा फुल स्टैक आपने किया। दूसरा है सिटी वाइज,
इंडिया के अंदर भी देखिए, अगर छोटे सिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल रांची है या फिर इस तरह का, अगर रिलेटिवली छोटी सिटी है तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम होती है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें जैसे कोलकाता में, तो नॉर्मली यहाँ पे जो है 10 से 15 होता है। अगर आप साउथ इंडिया में जैसे बात करें बैंगलोर की, तो वहाँ पे जो है नॉर्मली 20+ सैलरी होती है फ्रेशर की। तो इस तरह से सिटी वाइज भी डिपेंड करता है। उसके बाद है कंट्री वाइज भी, डेफिनेटली अगर इंडिया में देखें तो थोड़ा सैलरी रिलेटिवली कम होता है, लेकिन कोई यूएस में काम करता है और कोई जर्मनी, इंग्लैंड, एक्सेट्रा में काम करता है जाके, तो कंट्री वाइज भी इसका वैरी करता है। और जो है अब है परफॉर्मेंस के ऊपर कि अगर सेम टाइम में दो लोग ज्वाइन किया है और काम एक अच्छा कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी सैलरी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कि एक कुछ नहीं, बस ऑफिस गया, वहाँ पे काम किया और घर पे आया, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ सीख नहीं रहा है, तो वो परफॉर्मेंस आपका डाउन होने से आपकी सैलरी उतनी इंक्रीमेंट नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में और अलग अलग तरह से लोग क्लेम करते हैं कि ठीक है हम अच्छा सिखाते हैं, प्लेसमेंट अच्छा देते हैं, बाकी सारे और सारी चीज़ें हैं, तो सवाल ये उठता है कि आपको सीखना कहाँ है, मतलब किस जगह पे सीखने से आपको बेटर बेनिफिट होगा, आपका पैसा और आपका जो मेहनत है वो लगने जो जा रहा है वो कामयाब हो। तो इस बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइस, सवाल हम लोगों ने किया था कि आपको सीखना कहाँ पर है, और जैसा कि मैं बताया कि देखिए ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ एज सॉफ्टटेक एकेडमी के बारे में। एज सॉफ्टटेक एकेडमी को मैंने क्यों सिलेक्ट किया उसका रीज़न बताता हूँ कि पहली बात तो यह है कि इस्टेब्लिश हुआ है ये 2009 में, तो तब से लेके अगर आप देखें ये वीडियो जब तक रिकॉर्ड हो रहा है 15 ईयर्स हो गया, 15 सालों से सेंटर चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। इसके जो यहाँ से जो पढ़ के निकले हैं वो डिफरेंट कंपनीज में ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं फॉरेन में भी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी में जिसमें से गूगल भी शामिल है, और उसके अलावा एक्सेंचर, टीसीएस आप बोलिए, और वो सब कंपनी में यहाँ पे कैंडिडेट निकल के सीख के आज काम कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि एक एस्टैब्लिश्ड और पुराना सेंटर है। दूसरा जो है कि रन बाय 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस्ड आईटी प्रोफेशनल, ये जो ट्रेनिंग है वो 20+ ईयर्स जो प्रोफेशनल है आईटी के वो इसको रन कर रहे हैं। और जो थर्ड जो है वो लेटेस्ट एंड अपडेटेड कोर्स आपको हमेशा मिलेगा इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसमें जो ऐसा कोर्स कि जब सीख के गए तो बाद में पता चला कि यार हमने पुराना कोर्स सीख लिया, ऐसा नहीं, इसमें लेटेस्ट एंड अपडेटेड कोर्स मिलेगा आपको। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगा आपको, असिस्टेंट तब तक मिलता रहेगा आपको, इंटरव्यू के लिए तब तक भेजा जाता रहेगा जब तक आपको कहीं पे प्लेसमेंट नहीं दिलाया जाता है, तब तक ये सेंटर सेंड करता रहेगा। अब नेक्स्ट जो है फाइव में है कि ट्रेनिंग विद लाइव प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप जिंदगी में याद रखिए, आप जहाँ से सीखिए, जो सेंटर से सीखिए, जिस शहर से सीखिए, प्रोजेक्ट पे खास ध्यान देंगे, जब तक आप प्रोजेक्ट अच्छा से नहीं बनाएंगे आप कभी भी एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते हैं। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो इस इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट पे स्पेशल फोकस दिया जाता है। और जो सिक्स पॉइंट है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ट्रेनर्स, ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेनर अगर अच्छा है, कॉर्डियल है, उस नॉलेजेबल है, तो आपको वो अच्छा से पढ़ाता है, नॉलेज भी अच्छा देता है। तो ये सारे सेंटर, ये इस सेंटर के अंदर में ये सारी खूबियाँ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके अंदर मैंने अभी आपको इस वजह से रिकमेंड किया। अब सवाल ये उठता है कि आपको ट्रेनिंग कैसी करनी है, ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है। तो देखिए डिपेंड करता है बहुत सारे कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि अगर आप नियर बाय अगर सिटी से हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एज सॉफ्टटेक एकेडमी की बात करें जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उसका दो ब्रांच है यहाँ पे कोलकाता में, तो आप दोनों में से कोई भी सेंटर में जाकर सीख सकते हैं, और इसका क्लासरूम ट्रेनिंग चलता है वहाँ पे, तो आप आके कोई भी सिटी से आके यहाँ पे रह के हॉस्टल में कहीं पे रह के भी, और दोनों सेंटर्स में से कहीं पे भी जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग के कुछ फ़ायदे हैं डेफिनेटली, क्योंकि देखिए वहाँ फेस टू फेस इसमें ट्रेनिंग होती है। हाँ, इसमें है कि लिविंग कॉस्ट होता है और रहने खाने का आने जाने का जो खर्चा होता है नो डाउट उसमें होता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रीफर करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखिए बहुत दूर में रहते हैं, खास करके जैसे एज सॉफ्टटेक एकेडमी की बात करूँ तो फॉरेन के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट हैं, तो सब के लिए आके एक जगह पे सीख पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अभी ज़माना बदल गया, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई, साथ साथ में पढ़ाने का मोड भी बदल गया, तो इस वजह से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें इसका इस सॉफ्टवेयर एकेडमी के अंदर स्पेशल डेडिकेटेड इसका स्पेशल एक डिपार्टमेंट है जहाँ से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी उस डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसमें मैनेजर भी है जहाँ से आपको हैंडल किया जाता है कि अगर मान लिया जाए एक दो क्लासेस आपका नहीं होता है तो वहाँ पे उसको प्रॉपर
उसका मैनेजमेंट होता है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या है, देखिए कुछ नहीं, बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके मोबाइल में जो 4G कनेक्शन है जो कि सबके पास होता है, और आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इट। बस इतना होने से आप ऑनलाइन का क्लास कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, जिसमें आप व्हाट्सएप है, कॉल है, कॉल करके आप जो है डिटेल और भी कोई जानकारी आपको हासिल करना हो तो आप कर सकते हैं। और साथ साथ में लिंक भी नीचे दिया हुआ है वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ साथ में ईमेल आईडी है, वेबसाइट में जाके बाकी के डिटेल को जो है आप जान सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो और ये डिसाइड करने में आपको मदद मिले कि ये आपको फुल स्टैक सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। और इसकी बाकी सारे जो पॉइंट्स थे मैंने इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल हो। थैंक यू।